भारत बढ़ रहा है, भारत कमिटमेंट वाली पार्टी आज दुनिया में सबसे गति से बढ़ने वाला देश कोई है तो वो भारत है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिहार की जनता को कमिटमेंट किया था कि हम 2025 तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चलाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद के जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय सिन्हा समेत बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, तो वहीं दूसरी ओर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर सम्राट चौधरी तंज कसते नजर आए। आप इस रिपोर्ट में सुनिए। हम लोग जयंती मनाने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने आज से 50 साल पहले इस बिहार में लोकतंत्र और सही का लोकतंत्र स्थापित करने के लिए गरीबों को न्याय मिले, पिछड़ों को न्याय मिले, अति पिछड़ों को न्याय मिले, दलित समाज को न्याय मिले, इसकी लड़ाई 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, ये नारा देकर लड़ने का काम है। और जो नारा 1965 के जमाने में आदरणीय सरदार जगदेव प्रसाद जी ने दिया, उस सपने को पूरा करने का काम आज मैं मान सकता हूं। इसके पहले भी एक व्यक्ति को सत्ता में मिला, उसका नाम था आदरणीय लाल प्रसाद जी, लेकिन जब वो सत्ता में आए, क्योंकि वो पूरी तरह 90 का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन जब सत्ता में आए तो सत्ता को ही लूटने का काम शुरू कर दिया, यही है। और आज मैं बड़ा गर्व से कह सकता हूं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है, भारत कमिटमेंट वाली पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी को पूरा गर्व है कि जिस व्यक्ति ने आज भारत को संभाला है, दुनिया में कहीं आर्थिक स्थिति साथी और ठीक नहीं है, दुनिया अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, किसी भी देश में आप चले जाइए, कोई जीडीपी 2% से 3% नहीं हो पा रहा, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए गरीबों का सपना साकार करने के लिए इस देश की आर्थिक व्यवस्था कितना मजबूत किया, आज दुनिया में सबसे गति से बढ़ने वाला देश कोई है तो वो भारत है। और साथियों, जगदेव प्रसाद जी के परिवार से मैं आता हूं, खून के खून से आता हूं, और हमारा भी सम्मान साथियों, मैं देखता हूं भारतीय जनता पार्टी या कई पार्टियों को हम लोगों ने देखा, किसी पार्टी ने समाज को सम्मान नहीं दिया। हर देश में तीन तीन उप मुख्यमंत्री यदि इस समाज से है तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के। उत्तर प्रदेश में केशव जी है, दिया सिंह जी राजस्थान में है, और आज इसके बावजूद हमको बिहार जैसे प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाकर, पार्टी का नेता बनाकर नरेंद्र मोदी जी ने समाज को आगे लाने का काम किया। और साथियों, आप सोचिए, मैं तो लंबे समय से बिहार की राजनीति में हूं, मैं देखता रहा, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विरोधी दल का नेता बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और आज पार्टी ने प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाकर बिहार में भाजपा और एनडीए की सरकार स्थापित। और स्वाभाविक है, 2020 के चुनाव में हम लोगों ने कमिटेड किया था, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिहार की जनता को कमिटमेंट किया था कि हम 2025 तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चलाएंगे। और 2025 के बाद भी यदि आप चाहते हो कि समाज आगे बढ़े, समृद्धि हो, बिहार की भाजपा बढ़े, तो 2025 में फिर से एनडीए की बहुमत वाली सरकार बना रहा है। हाँ साथ।
आपने सुना बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को, जिन्होंने अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद के जयंती के मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने बिहार में लोकतंत्र को स्थापित करने, गरीबों को न्याय मिले, पिछड़ों को न्याय मिले एवं अति पिछड़ों को न्याय मिले, इसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लालू प्रसाद जब सत्ता में आए थे तो इन्होंने सत्ता को ही लूटने का काम किया। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।